हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर से सेल में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे फ्रेंड्स ट्रिक्स आपको, जिसका सहायता से आप बस कुछ ही सेकंड में एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला सवाल सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो मैथ है वो थोड़ा सा लंबा होता है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो लंबा मैथ में आपका जो टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए आप अगर ट्रिक्स का सहायता से करेंगे तो आपका मैथ जो है बहुत जल्दी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट का। देखिए, इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है, दो चीज़, उसमें आपका पूरा एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला सवाल पूरा बन जाएगा। क्या याद रखना है आपको? टॉप लेफ्ट साइड में चीपर आइटम का, चीपर मतलब जो सस्ता वाला है, चीपर आइटम का क्वांटिटी लिखना है। और राइट साइड में जो डियरर आइटम है, जो थोड़ा महंगा वाला है, उसका यहाँ पर चीपर वाला क्वांटिटी लिखना है, यहाँ पर डियरर वाला क्वांटिटी लिखना है। उसके बाद बीच में आपको मीन प्राइस या तो फिर जो भी है मीन होगा, मीन मतलब बीच जो आपका बनता है उसको लिखना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स? उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना पड़ेगा इसका साथ इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी ये बड़ा होगा इसलिए बड़ा सा हम छोटा माइनस करेंगे। और चीपर आइटम का जो कॉस्ट प्राइस, जो प्राइस है वो सस्ता मतलब कम होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ से मीन प्राइस से चीपर आइटम का जो है माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर डियरर आइटम से मीन आइटम आपका जो है माइनस करना पड़ेगा, मतलब डी माइनस एम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। और इधर आपको क्या करना पड़ेगा? इधर आपको मीन वाला जो प्राइस है यहाँ से चीपर वाला प्राइस आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैथ सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर करेंगे तो आपका जो डाउट है और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा मैथ बन जाएगा। चलिए देखते हैं मैथ में कैसा कैसा मैथ आता है, सेल में कैसा कैसा पूछा जाता है। मैं एकदम ईजी लेवल से चालू करूँगा और उस लेवल में जा करके रुकूँगा जिस लेवल तक सेल में आता है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट जो मैथ है उसमें बोला गया है ये सम ऑफ रुपीज़ 118 वॉज डिवाइडेड एमोंग 50 बॉयज़, मतलब 118 रुपया बाँट दिया है 50 बॉयज़ एंड गर्ल्स का बीच में, सच दैट ईच बॉयज़ रिसीव्स ऑफ रुपीज़ 2.60 एंड गर्ल्स 1.80, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ पर बोला गया 118 रुपये का, 118 रुपया 50 बॉयज़ एंड गर्ल्स का बीच में बांट दिया गया है, तो हर बॉय जो है 2.60 रुपीज़ करके मिला है और गर्ल्स लोगों को 1.80 रुपीज़ करके मिला है। तो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको सस्ता वाला जो भी सामान रहेगा वो सस्ता वाला सामान का क्वांटिटी लिखना है, यहाँ पर जो महंगा वाला है वो लिखना है, और यहाँ पर लिखना है आपको जो बीच वाला है मीन प्राइस लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए कैसा बनता है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सस्ता वाला, यहाँ पर देखिए गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में सस्ता वाला है गर्ल्स 1.80 रुपीज़, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1.8। ठीक है, 1.80 1.8 सेम होता है। यहाँ पर बॉयज़ हम लिख रहे हैं, जो यहाँ पर मैं लिख दिया कि सस्ता वाला जो है यहाँ पर महंगा वाला लिखेंगे, या तो फिर आप ऑल्टरनेट भी करेंगे तो फिर भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2.6, क्योंकि 2.60 बोला गया है। और मीन प्राइस फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, 118 रुपया 50 आदमी के बीच में बांटा गया है, तो मीन प्राइस होगा 118 डिवाइडेड बाई 50 यानी 2.36। तो यहाँ पर मीन प्राइस की जगह मैं 2.36 लिख दिया हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? 2.36 से 2.6 माइनस करना है। अगर आप 2.36 से 2.6 माइनस करोगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? 0.24 होगा। और ये वाला से ये वाला माइनस करना है, तो अगर माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 2.36 से 1.8 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.56। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होगा फ्रेंड्स? नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू होगा, कितना होगा? 7। 0.24 0.56 इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे फ्रेंड्स, तो रेशियो कितना होगा? 7:3 होगा। इसका जो रेशियो होगा 7 1:3 होगा। तो फिर बॉयज़ का टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज़ कितना होगा, 7 जो है 7 इंटू टोटल बॉयज़ कितना है 50 डिवाइडेड बाई 7 + 3 यानी 10। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 35। तो 35 इज़ द आंसर। चलिए और एक बार आपको बढ़िया से समझा देते हैं हम। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ आप जैसा मैंने बोला कि आप डियरर आर्टिकल का भी लिख सकते हैं, चीपर का भी लिख सकते हैं। तो पहले मान लीजिए आप चीपर का ही लिखे हैं जो सस्ता वाला है, 1.8 लिख दिए हैं और यहाँ पर डियरर वाला लिख दिए हैं 2.6। यहाँ पर आपको मीन प्राइस लिखना है। मीन प्राइस मतलब होता है जो बीज वाला होता है 118 रुपया, अगर 50 आदमी का 50 बॉयज़ के बीच में बटेगा तो कितना पर हेड को मिलेगा 118 डिवाइडेड बाई 50 यानी हो गया 2.36। ठीक है, अभी आपको माइनस करना है बड़ा से छोटा, 2.36 बड़ा है वहाँ से अगर आप 2.6 माइनस करोगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, एक साइड में हो जाएगा 0.24, यहाँ से 0.24, यहाँ से अगर आप 2.36 माइनस करोगे, बड़ा से छोटा माइनस करना है तो हो जाएगा 0.56। फिर आपको ये जो है ये रेशियो हो गया। तो 0.24 0.56 इसका अगर आप रेशियो करोगे तो कितना हो जाएगा 7:3। तो टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज़ फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7 इंटू टोटल बॉयज़ कितना है, टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना है 50, मतलब 7 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7 + 3 यानी हो जाएगा टोटल 35। आपका मैथ बन गया। ठीक है, देखिए कितना जल्दी हो जाएगा, ये वाला आपको मैथड फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 100 was divided among 50 boys and girls such that each boys will receive 5, each boys and girls will receive 5 and 4 rupees. Find the number of boys. फ्रेंड्स ये वाला सवाल आप करिए, जो मैं पिछला वाला सवाल मैं आपको बताया, मैं आपको समझाया वैसा ही है, एकदम सेम है, ओनली डिजिट जो है चेंज किया हुआ है। आई होप आप पिछला वाला सवाल समझ गए होंगे और ये वाला सवाल अगर आप कर लीजिएगा तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला सवाल आप कॉपी में प्रैक्टिस करिए, एकदम पूरा सेम टू सेम है, ओनली डिजिट जो है चेंज किया हुआ है। तो ये वाला सवाल आप थोड़ा खुद ट्राई कर लीजिए, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 9 आवर्स। एक आदमी जो है 90 किलोमीटर 9 आवर्स में ट्रेवल कर पाता है। पार्टली ऑन फुट 8 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन साइकिल 17 किलोमीटर पर आवर। जो है वो दो पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बाई फुट 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड में वो ट्रेवल किया है और बाई साइकिल 17 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट। बाई फुट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में बोला गया है, ये मांगा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो स्लो चीज़ है, मतलब जो सस्ता वाला चीज़ है, जो स्लो चीज़ है, जो कम वाला होता है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्पीड ऑफ फुट और यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल, CY लिख दिया हूँ, मतलब साइकिल। स्पीड ऑफ फुट यहाँ पर फ्रेंड्स कितना बोला गया है 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पर 8 लिख रहे हैं और यहाँ पर कितना होगा साइकिल का 17। अभी बीच वाला जो है कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए 90 किलोमीटर जाता है 9 घंटा में, मतलब 1 घंटा में कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ 8 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा के लिए लिखा हूँ, 17 किलोमीटर पर आवर। तो ये बीच वाला जो मैं लिखूँगा यहाँ पर वो 1 घंटा के लिए ही लिखना पड़ेगा, 1 घंटा के ऊपर ही बेस करके लिखना पड़ेगा। तो 90 किलोमीटर का जाता है 9 घंटा में, तो 1 घंटा में जाएगा 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख दिया हूँ 10। अभी आपको माइनस करना है, 10 से 8 माइनस करेंगे तो 2 होगा, 17 से 10 माइनस करेंगे तो 7 होगा, मतलब आपका रेशियो जो है 7:2 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय फुट। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, टाइम ट्रैवल्ड ऑन फुट एंड बाई साइकिल इज़ द रेशियो ऑफ 7:2, मतलब 7 घंटा जो है वो बंदा बाय फुट ट्रैवल किया है और बाई साइकिल में 2 घंटा ट्रैवल किया है। तो 7 घंटा का ट्रैवल करेगा वो बाय फुट और उसका जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर होगा। तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा D = ST। मैं बताया था टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो मेरा वीडियो है उसमें D = ST। D मतलब डिस्टेंस, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है, तो स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 इंटू टाइम कितना लगा है 7 आवर्स, 8 इंटू 7 हो गया 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर इज द आंसर। देखिए ये वाला सवाल आप टाइम एंड डिस्टेंस से भी कर पाएंगे और एलिगेशन एंड मिक्सचर से भी आप कर पाएंगे। आप देखिए आपको जो अच्छा लगेगा, जो इजी लगेगा, जो इजीएस्ट लगेगा उसी से आप करिए। मैं दोनों में आपको समझा दिया हूँ। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स कवर्स 40% मार्क्स इन फिजिक्स। ये वाला सवाल ना बहुत ज़्यादा आता है। आप सेल में जाइए, चाहे DRDO में जाइए, चाहे NTPC में जाइए, चाहे SSC JEE RRB JEE, जितना सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट का, लगभग हर एग्ज़ाम में ये इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया से आप समझिएगा, बहुत इजी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा मैं, बहुत ही इजीएस्ट वे से बताऊंगा। देखिए क्या बोला गया है, स्टूडेंट्स कवर 40% मार्क्स इन फिजिक्स। एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिला है फिजिक्स में, 60% मार्क्स ऑन इन मैथ, 60% मार्क्स मिला है मैथ में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर फिजिक्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा पूछा गया है। इफ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इज़ 45% एंड इन मैथ द फुल मार्क्स इज़ 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ और फिजिक्स का बात किया है और बोला गया है लड़का जो है, यहाँ पर लड़का या लड़की जो भी है स्टूडेंट बोला गया है, तो 40% मार्क्स जो है फिजिक्स में लाया है, 60% लाया है मैथ में, तो फिजिक्स का फुल मार्क्स कितना होगा। यहाँ पर मैथ का फुल मार्क्स बोला गया 100 और ओवरऑल परसेंटेज बोला गया 45%। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया, कम वाला चीज़ मैं ऑलवेज लेफ्ट साइड में लिखूँगा, तो यहाँ पर फिजिक्स का जो परसेंटेज है वो 40% है, तो इसीलिए 40% मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, मैथ का जो है परसेंटेज 60 है, तो यहाँ पर हम 60 लिख रहे हैं। और मीन वाला जो है, बीच वाला, टोटल ओवरऑल लिखना है, 45% मिला है बंदा को, 45% यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। अभी क्या करना है आपको, जो बड़ा है उससे माइनस करना है। 45 से अगर 40 माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5। और 60 से अगर 45 माइनस करोगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब आपका जो रेशियो है 15:5 यानी 3:1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 3:1 मतलब क्या हो गया, पहले यहाँ पर मैं फिजिक्स लिखा हूँ तो फिजिक्स वाला जो है मेरा फर्स्ट जो है वो फिजिक्स वाला है, तो 3:1 मतलब हो गया फिजिक्स का जो फुल मार्क्स है वो 300 है। देखिए कितना आसानी हो गया, कितना आसान से हो गया, मतलब पूरा, बहुत आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, बस इसको बनाना है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो इतना था कि फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कुछ डाउट है तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट को। लेटेस्ट वीडियो, जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपडेट होते जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।